सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके मोबाइल में फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी डिस्प्ले में कुछ इस तरह से शो करता है फ्लिकरिंग, तो आपको क्या करना होगा। मैं आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर जो फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम किसी भी मोबाइल में हो, यहाँ पर सेम सेटिंग करनी होगी। चलिए जान लेते हैं हमें क्या करना है फ्लिकरिंग को दूर करने के लिए। सो गाइज, आपके मोबाइल में फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम को सही करने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है, वो करना है आपको अपना पावर बटन दबाना है और अपने मोबाइल को यहाँ से रिबूट कर लेना है। या तो आप रिबूट कर लीजिए, या फिर यहाँ पर रिस्टार्ट कर लीजिए, या फिर पावर ऑफ करके ऑन कर लीजिए। तीनों में से आप कुछ भी करेंगे तो आपकी जो फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर ये करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो उसके बाद आपको डायरेक्टली मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है, अबाउट फोन में आना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MIUI वर्जन। इस पर आपको 7 से 8 बार टैप करना है। जैसे 7 से 8 बार आप टैप करेंगे, आपका डेवलपर ऑप्शन जो होता है वो आपका यहाँ से अनेबल हो जाएगा, और अनेबल होने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है MIUI वर्जन पर क्लिक करने से हो। कई बार जो है बिल्ड नंबर, कई मोबाइल में बिल्ड नंबर पर क्लिक करने से होता है, तो आप अपना डेवलपर ऑप्शन देख लीजिएगा कैसे अनेबल करते हैं। डेवलपर ऑप्शन अनेबल करने के बाद जो है आपको एडिशनल सेटिंग में आ जाना है, और यहां पर आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। गाइस, स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको यहां पर बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल रही हैं। आपको ढूंढना है, यहां पर दिखा देता हूं मैं, ये देख सकते हैं ड्राइंग में शो सरफेस अपडेट। ये आपके मोबाइल में अगर ऑन होगा तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी फ्लिकिंग की, तो इसको यहाँ से ऑफ कर लीजिए, और उसके बाद फिर नीचे आ जाइए। यहाँ पर नीचे आने के बाद भी आपको यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड, यहाँ पर जो है ये सेटिंग शो GPU व्यू अपडेट, इसको जो है यहाँ पर आपकी ऑन होगी, तो इसको भी आपको ऑफ कर लेना है। ये सेटिंग्स आपने जो है बंद कर लेनी है। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर एक और सेटिंग आपको देखने को मिलेगी, वो भी आपको कर लेनी है गाइज, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिसेबल SW ओवरलेज, आपका यहाँ पर ये बंद होगा, इसको आप अनेबल कर लीजिए। बस आपको ये काम करना होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी नहीं होती तो एक फाइनली आप काम कर सकते हैं गाइज, यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ना आप अपने मोबाइल में यहाँ पर जो है अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल का डाटा वगैरह सेव कर सकते हैं अदर डिवाइस में, तो आप मोबाइल को हार्ड रीसेट कर लीजिए, उससे अलग यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस यही आपको काम करने होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।